नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेकिटिकल पे। मेरा नाम है गरिमा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने फ़ोन से। एक्चुअली क्या है कि ये एक 16 डिजिट का कोड होता है और जैसे KYC वेरिफिकेशंस वगैरह होते हैं तो उसमें अपन को अपना आधार आईडी नंबर बताने की जगह आप है ना अपना ओनली वर्चुअल आईडी नंबर देकर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो कैसे जनरेट करना है इस वीडियो में बताऊंगी, बहुत सिंपल सा है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहते हो वो लैंग्वेज पर टैप कर दीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने पर आधार सर्विसेज में वर्चुअल आईडी जनरेटर पे टैप करिए। अब यहाँ देखिए वेलकम टू माय आधार, यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा VID जनरेटर, यहाँ पर टैप कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका आधार नंबर और जो भी एंटर आपको कैप्चर करना होगा, तो यहाँ से आप अपना आधार नंबर और एंटर कैप्चर करके सेंड OTP कर दीजिए। ये OTP आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आएगा जो आपके आधार से लिंक है, तो वहां से जो आपके फोन में OTP आया है वो आपको यहाँ पे पुट करना होगा। तो जो भी आपका OTP आ चुका है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो आप यहाँ पे पुट करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर टैप कर दीजिए। ये देख सकते हैं आप, योर वर्चुअल आईडी हैज बीन सेंड योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पर जाके, आपके जो मैसेजेस है उसमें आपको आपका जो VID नंबर है वो जनरेट हो गया है। तो यहाँ से जाके मैं अभी देखो दिखा रही हूँ, मेरे पास भी VID नंबर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप VID नंबर जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।